नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई में एयरपोर्ट पे बड़े काम आते हैं। एयरपोर्ट से रिलेटेड इतने ज़्यादा लोगों के पास ओपन लेटर वीज़ा आ जाते हैं कि भाई एयरपोर्ट पे काम करना है, बंदे हो जाते हैं कुछ जी एयरपोर्ट पे। तो बल्ले बल्ले लोगों को आते हुए देखेंगे, जाते हुए देखेंगे, और एयरपोर्ट पे तो बहुत बढ़िया चीज़ है, वहाँ तो मज़े आ जाएंगे देखने के। इस नाम से एजेंट लोग ज़्यादा फैलाते हैं और आप लोग ज़्यादा फैलते जाते हैं। जी हाँ, एक बंदे का वीज़ा आया था, उसने बताया सर वीज़ा दे दिया। मैं बोला भाई ऑफर लेटर कहाँ है? बोला ऑफर लेटर तो कंपनी ने नहीं दिया। ठीक है जी, वीज़ा था एम्प्लॉयमेंट, यानी 2 साल का वर्क परमिट वीज़ा। ठीक है जी, पैसे कितने देने हैं? 52,000 में बात हुई, कम करके 45,000 में मामला डन हो गया। 15 दिन में बंदे का वीज़ा आ गया। तनख्वाह की बात करें तो 850 दराम, जी 850 दराम प्लस ओवर टाइम, ये तनख्वाह बताइए। बंदे को वीज़ा दे दिया कि भाई वीज़ा दे दिया, पेमेंट करने की बात है। बंदा को लगा कि यार 45,000 दे रहे हैं, इससे बढ़िया अशोक जी को 500 रुपये दे देते हैं, पता तो लगा लें कि सच है क्या है, झूठ है। जी हाँ, हालांकि ये बुक है, इसमें भी ये बातें ही लिखी हैं, लेकिन इसको तो आप नहीं खरीदोगे, 700 रुपये आपके लिए बड़ी रकम हो जाती है, वो एक अलग बात है। बंदे ने मुझे ये वीज़ा भेज दिया। बंदे को मैंने बोला एक ही काम करो, हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि बंदे से ये काम करवा लूं, क्योंकि इस बंदे इस ऑफर ये जो वीज़ा है इसमें कुछ ऐसी बातें थी, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है ठीक है जी, इसमें नीचे जो रिस्पॉन्सर लिखा है ना, ये कुछ मुझे डाउट लगा इसमें। और एयरपोर्ट एम्प्लॉय पासपोर्ट वीज़ा में कभी ऐसा कोई नाम नहीं आता, एयरपोर्ट एम्प्लॉय ऐसा कोई वीज़ा का कोई ट्रेड ही नहीं होता है। जी हाँ, तो मैंने उनको एक ही बात बोला कि भाई इस वीज़ा को आप चेक करो। जी हाँ, तो बंदे ने फिर अपने आप बोल दिया कि सर ये वीज़ा मैंने चेक किया, चेक नहीं हो रहा है। तो मैं बोला भाई एजेंट को बोलिए, क्योंकि वो तो पैसा मांग रहा है कि जल्दी पैसा दो। तो फिर एजेंट से कॉन्टेक्ट किया, एजेंट बोलता है जी देखिए बात ऐसी है, दुबई के कई वीज़ा चेक होते हैं ऑनलाइन, कई वीज़ा चेक नहीं होते हैं। अब देखो जी एजेंट की सोच देखो, एजेंट देखो किस तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है कि जो वीज़ा निकलते हैं वो निकलते ही ऑनलाइन ही हैं, समझ रहे हैं कि भाई दुबई में वीज़ा प्रिंट हो गया तो ऑनलाइन ही निकलेगा ना उसका प्रिंट, तो ऑनलाइन कई होते हैं कई नहीं होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब बंदे ने बोला सर मैं इसको चेक किया तो ये बताता है नोट फाउंड, वीज़ा बताता है नोट फाउंड। ठीक है जी, उसके बाद में एक और चालाकी देखिए, इस वीज़ा में एडिट करते समय गलती रह गई, पासपोर्ट उस नाम बदल दिया, कैटेगरी बदल दी, सब कुछ बदल दिया, लेकिन पासपोर्ट नंबर बदलना भूल गया बंदा। बंदे ने देखा कि पासपोर्ट नंबर तो मेरा है ही नहीं, तो उनसे कॉन्टेक्ट किया, तो एजेंट बोलता है कि जी इसीलिए तो हमने आपको भेजा था कि कहीं कोई मिस्टेक हो तो हमें बता दो। अब बताओ एजेंट भी इतने फुद्दू टाइप के आदमी है कि हद हो गई। फिर बंदे ने बोला पासपोर्ट नंबर गलत है, 2 दिन में पासपोर्ट नंबर चेंज करके वापस दूसरा वीज़ा दे दिया, जबकि सच्चाई ये है कि मेरे सामने एक दो वीज़ा ऐसे आए थे जिनकी फ़ोटो चेंज हो गई थी गलती से, 1.5 महीने लग गया था, फ़ोटो चेंज नहीं हुई, कईयों की 1.5 महीने में फ़ोटो चेंज होकर वीज़ा दोबारा आ गया, कईयों के वीज़ा ही कैंसिल हो गए। ये सिचुएशन होती है रियलिटी की, लेकिन ये फुद्दू बनाने वाले एजेंटों के पास सब कुछ होता है, लैपटॉप होता है, एडिटिंग वाला एक बढ़िया सा सॉफ्टवेयर होता है, डाल के एकदम बढ़िया से एडिट करके डाल देते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये बंदा मेरे जैसे बंदे से टकराएगा या फिर खुद टकरेगा, ऑनलाइन चेक करेगा, ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं जो गलती करते हैं ना कहीं कहीं छोड़ देते हैं। तो इन जैसे फर्जी लोगों से सावधान रहने के लिए इस बुक का निर्माण किया गया है, लिखी गई है। अगर आपको लगता है कि इसको परचेज कर सकते हैं तो भाई कर लीजिए, ताकि ऐसे लोगों से आप बच सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। हमेशा मैन पावर ऑफिस के द्वारा जाएं भाई, इसमें सब कुछ वही लिखी हैं बातें, मैन पावर एड्रेस भी मिल जाएंगे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।